पुलिस के साथ गुंडागर्दी करने और गाली बकने वाले कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आलोक चतुर्वेदी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस वालों को धमकाते और गाली देते नजर आ रहे थे। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भगवा में दो दिन पूर्व वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प हुई थी। झड़प के दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पुलिस को धमका कर गाली देते नजर आए। भगवा थाना पुलिस ने इस मामले में छतरपुर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आलोक चतुर्वेदी पज्जन पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल 29 तारीख को बड़ा मलहरा उपचुनाव में वाहन चेकिंग के दौरान रात में विधायक की गाड़ी रोकने को लेकर उनका विवाद चुनाव आयोग की टीम और पुलिस अधिकारियों से हुआ था, जहां विधायक गुंडागर्दी करते नजर आए थे। विधायक ने पुलिस से अभद्रता करते हुए उन्हें धमकी देते हुए गाली गलौज की। 29 तारीख की रात और 30 तारीख की सुबह एक FIR दर्ज हुई थी जो शासकीय कार्य में बाधा को लेकर थी। इसमें प्रमुख आरोपी जो थे चरण सिंह यादव थे। इसी में स्पेशल टीम उसी दिन बनाई गई थी 14 सदस्य की, और ये विवेचना व गिरफ्तारी दोनों के प्रयास लगातार कर रही है। इसमें जितनों के वीडियो में दिख रहे हैं, खासकर शासकीय कार्य में जो बाधा डाल रहे हैं, उन सभी के नाम बढ़ा के जाँच करके गिरफ्तारी की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।